हाँ प्रणाम दीदी। खुश रहो, खुश रहो। और कैसे हो अमन? ठीक हूँ दीदी। फोन पे बात हुई अभी मम्मी से, बता रही थी किसी एग्जाम के लिए कहीं जा रहे हो। रेलवे गुड्स गार्ड के लिए। अच्छा, अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो और अच्छी सी लड़की भी। मम्मी पापा की डिमांड पूरी नहीं करनी क्या? अच्छा एग्जाम दे लो, फिर फोन करते हैं। हाँ ओके बाय। पिताजी रेलवे के एम्प्लॉय, रेलवे कॉलोनी में एक छोटा सा क्वार्टर, फैमिली में मैं, मम्मी पापा और दीदी। थे बर्थडे में साइकिल दिलाएंगे, साइकिल दिलाएंगे। इतने दिन बीत गया, ना ठीक से बर्थडे मना ना साइकिल दिलाए। सभी मुझे ढूंढ रहे थे तभी। इतनी तेज भूख लगी है, अभी को आ रही हो? अच्छा चलो। मम्मी की वजह से ना डांट पड़ी ना मार पड़ी, और दूसरे दिन साइकिल भी आ गई। उसके बाद तो मेरे डिमांड्स को काफी सीरियस लिया मम्मी पापा ने। समय कहाँ ठहरता है, बहन की शादी हो गई, लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब एक्स्ट्रा डिमांड्स, रिटायरमेंट के बाद घर बदल गया, दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चे, मेरा बेरोजगार होना और घर वालों का घर की लक्ष्मी लाने की जिद। सोचता हूँ ये साइबेरियन पक्षी हजारों मील लंबा सफर तय करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं, और पूरा शीतकाल यहाँ बिताने के बाद वापस अपने देश, अपने वतन लौट जाते हैं।